नमस्ते, एक्सपर्ट कुकिंग विद रजनी में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल की खीर, जो कि बहुत ही पारंपरिक तरह से बनाएंगे और जो कि ढाबा, होटल, आप कहीं भी देखेंगे तो ये रेस्टोरेंट में भी मिलती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर हम बात करें त्योहारों की, तो भाई बिना खीर के तो त्यौहार हमारे अधूरे से लगेंगे, या फिर रक्षाबंधन हो, या फिर जन्माष्टमी हो, या फिर तीज हो, करवा चौथ हो, राखी हो, होली हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, सत्यनारायण पूजा हो, तो इस पे हम सभी मतलब ओकेज़न पे त्योहारों पे इसे बनाना मीठे के लिए पसंद करते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं हम अपना चावल का खीर बनाना और कैसे बनाते हैं इसे सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो ये है हमारे मटेरियल्स, आप देख लीजिए। राइस है, शुगर है, ड्राई फ्रूट्स है, इलायची है। तो चलिए फिर हम बनाना, यहाँ पे हमने दूध लिया है, फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 बाउल राइस, वो भी हमने छोटा बाउल लिया हुआ है और इसके लिए हम 2 लीटर दूध यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए हमें छोड़ देना रहेगा। तो पहले आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए ताकि इसके पूरे गंदे पानी निकल जाए, बिल्कुल ये क्लीन हो जाए। तो ये देखिए, इसे हमने धो लिया है अच्छी तरह से, पानी इसके अच्छी तरह से निकाल देंगे। निकालने के बाद इसे 15 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। तो ये देखिए, 15 मिनट बाद हमारे राइस बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, फूल चुके हैं। तो अब इसे हम अच्छे से इसे ग्राइंड करना है। तो पूरा इसमें डाल लेंगे। ग्राइंड करने के लिए हमें इतना ग्राइंड करना है कि इसका दरबरा सा पाउडर बने, बिल्कुल पतला एकदम नहीं करना है, थोड़ा ऐसा करना है कि हल्का सा दरबरा भी रहे और बारीक भी रहे। तो चलिए फिर इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद हम, जैसा कि आप देख रहे हो, इस तरह का हमारा राइस देखो हमने ग्राइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें लेना है कढ़ाई। कढ़ाई में हमें लेना है देसी घी। अगर देसी घी ना हो तो आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो उसे ले सकते हो, सिर्फ मस्टर्ड ऑयल मत डालना। तो यहाँ पे हमने 3 स्पून लिया हुआ है घी, और इसमें अच्छे से अपने हमने जो ग्राइंड करके रखा है अपना राइस, उसे अच्छी तरह से इसे हमें रोस्ट करना है। लो टू मीडियम फ्लेम हमें रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, और धीरे धीरे हल्का हल्का इसे हमें रोस्ट करना है, बिल्कुल लाइट सा पिंक इसे करना है ताकि हमारा खीर एकदम बढ़िया बने और ये दूध में जा कर के एक दूसरे से चिपके नहीं, लम्स ना बन पाए। तो इसलिए से हमें स्लो मीडियम पे आराम से इसे थोड़ा थोड़ा रोस्ट करते जाना है चलाते हुए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्का सा पिंक एकदम बिल्कुल लाइट सा हो गया है हमारा, ये देखिए। तो चलिए इसका हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से थोड़ा ठंडा करने के लिए हम रख देते हैं। दूसरी साइड यहाँ पर हमने दूध रखना है। दूध अब आप बफेलो दूध ले सकते हैं, अगर बफेलो ना हो तो आप कोई भी दूध मतलब काउ भी ले सकते हो, वैसे बफेलो रहता है तो और अच्छा रहता है। तो ये देखिए, हमने 1 बाउल के लिए 2 लीटर दूध लिया हुआ है। इसे हम गैस पर रख देंगे उबलने के लिए। तो ये देखिए, जैसा कि हमारा दूध उबलने को आ गया है, अब इस स्टेज पर हम अपना इसमें राइस के रखा है ना रोस्ट करके, उसे इसमें डाल देना है और फिर इसे अच्छी तरह से डाल करके मिक्स करना है और बढ़िया से इसे तुरंत चलाना है, लेट नहीं करना है, नहीं तो इसके इधर उधर से लम्स लग जाएंगे, गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए आप तुरंत इसे अच्छी तरह से चलाते जाइए तो हमारी खीर बिल्कुल बढ़िया बनेगी। तो इसे एकदम बढ़िया से हमें चलाना है। तो ये देखिए, उबाल आ गया हमारा,
अब इसे कम से कम 20 मिनट के लिए हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे इस तरह से रहने देना है। तो ये देखिए, इसके बीच में हम डालेंगे थोड़ा अपना इलायची पाउडर डाल देंगे। इससे हमारा टेस्ट बहुत इन्हेंस होके आ जाएगा और इलायची भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसे भी डाल करके मिक्स कर देंगे। अब आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हो वो अपना ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमने लिया है काजू, लिया है बादाम, लिया है, सभी को बारीक हल्का सा ग्राइंड करके वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए, लगभग ये 20 मिनट बाद हमारे खीर बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना बढ़िया ये बना हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर। शक्कर हमें डालते हुए तो बिल्कुल ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है, थोड़ा लाइट भी रहेगा तो ही अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि जब हम खीर बना रहे हैं तो पहले चावल लेकर के आप दबा करके चेक कर लीजिए कि हमारा राइस अच्छे से पक गया है कि नहीं। जब पक जाएगा उसके बाद ही आपको शक्कर डालना है, क्योंकि अगर आप पहले शक्कर डाल दोगे तो चावल हमारा जल्दी पकेगा नहीं और हमें बहुत टाइम तक पकाना पड़ेगा। इसलिए आप पहले से ही चावल देख लीजिए, जब हमारा चावल बढ़िया से पक जाए उसके बाद आप शक्कर डालिए और उसके बाद 2 मिनट बाद बढ़िया से उसे और पका करके फिर उतार दीजिए। तो ये देखिए, हमारा डिलीशियस बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल में खीर बन करके रेडी हो गया है। इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया हमारा गर्मा गर्म खीर रेडी हो चुका है। तो इसे हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल मुंह में पानी सा आ गया, बहुत ही टेस्टी बना है। और इसके ऊपर से हम फिर से ड्राई फ्रूट्स डाल करके इसकी गार्निशिंग कर देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसे डाल करके अच्छे से गार्निशिंग कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा जन्माष्टमी स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल, तीज स्पेशल खीर बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपना सपोर्ट प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।